दुनिया तक देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं मथुर। आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सत्ता संघर्ष के लिए गृह युद्ध की आग में जल रहे लीबिया में 14 सितंबर को 7 भारतीयों का अपहरण कर लिया गया और उनकी सकुशल रिहाई की कोशिशें जारी हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी सामने आई है कि लीबिया की कंस्ट्रक्शन और ऑयल कंपनी में काम करने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश के 7 नागरिकों का पिछले महीने त्रिपोली एयरपोर्ट पर जाते समय लीबिया में अपहरण कर लिया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा हालात के मद्देनजर भारत सरकार की ओर से सितंबर 2015 में लीबिया नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई थी। 2016 में सरकार ने लीबिया यात्रा पर पाबंदी भी लगा दी। इसके बावजूद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार इन नागरिकों की रिहाई के लिए काम कर रही है। ट्यूनीशिया में मौजूद भारतीय दूतावास ने लीबिया की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से संपर्क किया है। भारत सरकार को जानकारी मिली है कि अपहरण किए गए 7 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और इनकी फोटो भी दिखाई गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उनके अधिकारी अपहरण किए गए लोगों के परिजनों से लगातार संपर्क में हैं। इससे पहले 2019 में भारत सरकार ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली में फंसे भारतीयों को फौरन इलाके से निकलने की सलाह दी थी। स्वर्गीय पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर बताया था कि त्रिपोली में हालात तेजी से बदतर होते जा रहे हैं। सभी लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से त्रिपोली जल्द से जल्द छोड़ने को कहें, वरना बाद में हम वहां से इनको निकाल नहीं पाएंगे। कर्नल गद्दाफी को सत्ता से हटाए जाने और फिर उनकी हत्या के बाद लीबिया में हालात खराब होने जब शुरू हुए तो लीबिया से भारतीयों को निकालने के लिए अभियान चलाया गया था। विद्रोही गुट के नेता जनरल हफ्फार की सेना और दूसरे सशस्त्र बलों के बीच संघर्ष के कारण लीबिया में संकट गहरा गया है। दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया तक।